हमारी प्रतिष्ठा दुनिया में बढ़ गई है, हमारी विश्वासार्हता बढ़ गई है। जिस प्रकार से हमने श्रीलंका के संकट में उसकी सहायता की, यूक्रेन के भूमि पर अमेरिका और रशिया की जो लड़ाई हो रही है उसमें अपने देश के हित को ध्यान में रखते हुए और जागतिक मानवता के हित को भी कम न करते हुए जिस प्रकार की भूमिका हमने रखी, हमारी बात सुनी जा रही है, हमारा वजन बढ़ रहा है, हमको बड़ा आनंद होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में हम उत्तरोत्तर सफल होते चले जा रहे हैं और स्वावलंबी होते चले जा रहे हैं। कोरोना की विपदा से बाहर आने के बाद अब हमारी अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पूर्व स्थिति पर आ रही है और वो आगे जाएगी, इसी भविष्यवाणी दुनिया के सभी अर्थतज्ञ कर रहे हैं। खेल के क्षेत्र में भी नीतियों में जो अच्छा परिवर्तन आया है वो तो है ही, लेकिन हमारे खिलाड़ी ओलंपिक्स में और पैरा ओलंपिक्स में भी अपने कर्तृत्व को दिखा रहे, विजय प्राप्त करके देश का नाम रोशन कर रहे, अभिमान से हमारा सीना फूल जाता है। अभी अभी दिल्ली में कर्तव्य पथ का उद्घाटन हुआ, लोकार्पण हुआ, उसमें प्रधानमंत्री जी के भाषण में उन्होंने अपने देश के नवोत्थान के इस उदय काल के दृश्य को स्पष्ट किया है। सांस्कृतिक प्रतीक, आर्थिक प्रगति के प्रतीक, हमारे देश के स्वाभिमान के प्रतीक, स्वतंत्रता के लिए जिन्होंने अपना प्राणार्पण किया उनके गौरव के प्रतीक कैसे कैसे खड़े हो रहे, उसके पीछे अपने समाज का कर्तृत्व कैसे दौड़ रहा है, इस सारा वर्णन आपने भी सुना है। इस नवोत्थान की आहट को सुनकर हम भी प्रसन्न होते हैं और हम भी कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने की इच्छा करते हैं। लेकिन इस दिशा में आगे बढ़ना है तो आत्मनिर्भर, ऐसा शब्द उपयोग करते हैं हम, आत्मनिर्भर भारत की आहट हो रही है, लेकिन हमारी आत्मा क्या है उसकी स्पष्ट जानकारी चाहिए। गोलमोल नहीं चलेगा, क्योंकि आत्मनिर्भरता के पथ का प्रकाश वो आत्मा ही देती है। तो हम क्या है, हमारी आत्मा क्या है, इसकी जानकारी स्पष्ट और शासन, प्रशासन, समाज, नेतृत्व, कार्यकर्ता, इन सब में समान प्रकार की होनी चाहिए। ऐसा होने से हमारा पथ स्पष्ट होता है, क्योंकि ये प्रगति का पथ सीधा तो नहीं होता है, कोई भी पथ सीधा नहीं होता है, क्योंकि उसको परिस्थिति से जाना पड़ता है और परिस्थिति जैसी है वैसा ही जाना पड़ता है। यहां से मैं निकलूंगा उत्तर दिशा में जाने के लिए, डॉक्टर हेडगेवार भवन कार्यक्रम के बाद मुझे जाना है, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा पहले दक्षिण में, बाद में मैं पश्चिम की ओर मुड़ूंगा और फिर उत्तर की ओर जाऊंगा, क्योंकि रास्ता वैसा है। तो ये लचीलापन तो रखना पड़ता है, मुझे उत्तर में जाना है, बीच में पहाड़ हो, खाई हो, कुछ भी हो, मैं दिशा नहीं बदलूंगा, ऐसा करेंगे तो संकट में पड़ जाएंगे, कदाचित पहुंच नहीं सकेंगे। तो रास्ता निकालने वालों को लचीलापन धारण करना पड़ता है, लेकिन लचीलेपन की मर्यादा भी ध्यान में तब आती है जब अपने स्व की, अपने आत्मा की ये जानकारी, ये कल्पना अपनी स्पष्ट हो और सबकी समान हो, क्योंकि सबकी समान कल्पना ऐसी होने के बाद एक विश्वास रहता है। उस विश्वास के कारण आपसी समझदारी बनती है, लचीलेपन के कारण अविश्वास नहीं आता है। तो परस्पर समझदारी, विश्वास का भी वातावरण बनता है, और जिनको लचीला होना पड़ता है उनको कितना लचीला होना है और कितना नहीं होना है, पैर कहां पक्के जमाने हैं और शाखा पल्लव कैसे कैसे हवा में मोड़ने हैं, इसकी समझदारी प्राप्त होती है। तो उसके कारण संपूर्ण समाज में
एक सहचित्तता का वातावरण बनता है और उस सहचित्तता के कारण प्रगति होती है।